भाजपाचे ज्येष्ठ नेते विजय वरपुडकर आणि तहसीन अहमद खान यांच्या हस्ते आज उरसामध्ये फिश टनल याचे उद्घाटन संपन्न झाले. आज 2 फेब्रुवारी रोजी परभणी शहरात सुरू झालेल्या तुरुपीर बाबा यांच्या यात्रेनिमित्त मोठ्या प्रमाणात उरसाला प्रारंभ झाला असून या वर्षामध्ये विविध देखावांचे खेळणे, मीना बाजार, राहत पाळणे, मोद का कुवा पन्नालाल आणि विविध प्रकारच्या खेळण्या या निमित्ताने पाहायला मिळत आहेत. परभणीकरांच्या सेवेत दाखल झालेले आज मुख्य आकर्षण म्हणजे मराठवाड्यात नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच परभणीकरांसाठी खास फिश टनल या प्रमुख देखावाचे उद्घाटन यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. फिश टनलचे वैशिष्ट्य आहे की विविध देशातील तब्बल 350 प्रकारच्या रंगबिरंगी विविध जातीच्या असणाऱ्या माशा या आकर्षणाचे केंद्रबिंदू आहेत. या निमित्ताने आलेल्या सर्व भाविक भक्तांनी इथे भेट देऊन त्याचा आनंद घ्यावा असे आवाहन माजी नगरसेवक फारूक बाबा, माजी नगरसेवक मुजाहिद मेमन, दिनेश परसावत, फिरोज बाबा, हयात खान, करीम बॉस, अली खान, मोशीन खान यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. या निमित्ताने आलेल्या मान्यवरांनी सर्व यात्रेकरूंना उरसाच्या शुभेच्छाही दिल्या आहेत. हमारा नहीं ये सब कमाल जो है वो फारूक बाबा का है. उन्होंने इतना ज़्यादा पैसा दे के ये सारी चीज़ें तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लाए और एक तरीके से उन्होंने हज़रतुर्रहमान शाह साहब की दरगाह के जो डेवलपमेंट के लिए भी इन्होंने अपना इंडायरेक्टली इसके अंदर हिस्सा लिया. तो ज़्यादातर कामयाबी के मुस्तहिक हमारे फारूक बाबा हैं. ऐसे नौजवानों को परवाने के क्या कहना चाहेंगे जो फारूक बाबा की उम्र के जो लड़के हैं इन लोगों को एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के लिए किस तरह का आह्वान करेंगे आप? पॉलिटिक्स में खिदमत में आना चाहिए. पॉलिटिक्स में क्या है? पॉलिटिक्स तो खिदमत का उच्च दर्जे का नाम है. उरस आणि आताच्या उरसात तुम्हाला काय ॲडव्हान्टेज वाटलं? जो 5-6 साल या 10 साल से पहले की जो यहाँ की परिस्थिति चंद रुपयों में ये सब बिक जाता लेकिन हमारे फारूक बाबा ने इंटरफेयर करके बहुत अच्छे रेट से जो करोड़ों में जाता है और उन्होंने वो सब दिए. हालांकि हम चाहते हैं कि ये जो सब पैसा है जितना भी हम अकाउंट में मिल रहा है वो अकाउंट में जैसा चाहिए वो ऐसा डेवलपमेंट हमारे पास नहीं है. ये पूरे दरगाह में हर चीज़ की सुविधा होना चाहिए. हम आपसे झगड़ेंगे और जो हमारा पैसा है वो दूसरी तरफ जा रहा है उसको रोक के परभणी का पैसा परभणी कर और इसके लगाए ये हम चाहते हैं. और आज जो हमें बुलाए बाबा और सभी आप सब अजी साहब है बिजू काका तकलीफ भी हुई थी टाइमिंग की उसके बारे में सबसे पहले तो मैं परभणी के आवाम को हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह के 117वें उर्स के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और सभी आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि इस बार इस उर्स के अंदर हमने ज़्यादा से ज़्यादा मन लुभाने वाले बड़े बड़े झूले, आकाश पाड़ने, जॉइंट व्हील, क्रॉस व्हील, ब्रेक डांस और सबसे बड़ा आकर्षक का केंद्र इस उर्स के अंदर जो हमने एक नया आइटम महाराष्ट्र के अंदर पहली बार हमने लाने की कोशिश की है फिश टनल, जो कि 350 प्रकार के नवी अलग अलग मच्छियों को, फिशेस को हमने यहाँ लाने की कोशिश की है. तो मैं इसी के ज़रिए पूरी आवाम से गुजारिश करूँगा, पूरी जनता को आह्वान करूँगा कि एक बार फिश टनल देखने के लिए ज़रूर भेंट दें. थैंक यू.